सारे कबीले वाले नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को घेर लेते हैं। कबीले वालों के हाथ में तीर कमान थे, उनके साथ कबीले का सरदार भी था। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मार दो इन्हें, यही दोनों सिर फोड़ के मार देते हैं हमारे लोगों को। कबीले वाले तीर कमान से नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर हमला करते हैं। जैसे नागरानी मनसा पर सरदार निशाना लगाते हैं, सरदार के सामने सिम्बा आ जाता है। सरदार, आप ये क्या कर रहे हो? इन दोनों ने ही मेरी जान बचाई है शेर से, और आप इन दोनों पर ही हमला करवा रहे हो। तो ये लोग वो नहीं हैं, तो ये लोग हमारे कबीले की ओर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सरदार, इन्होंने हमारे कबीले वालों के लिए खाने का प्रबंध किया है। ये दोनों बहुत अच्छे हैं सरदार, इन लोगों ने मेरा जख्म भी भर दिया। पेड़ पौधों का भी बहुत ज्ञान है इन्हें। सरदार, ये लोग कबीले वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सरदार, वहां देखिए रामू की लाश। अब कबीले वालों का ध्यान उस लाश की ओर गया और सभी की आंखों में आंसू आ गए। एक और कबीले वाले का खून हो चुका था। मेरा बेटा, मेरा बेटा, ये क्या हो गया? भैया, अब हमारा क्या होगा? देखो देखो, इसका भी सिर फोड़ के मार दिया है। ये सब हमारे कबीले के साथ ही क्यों हो रहा है? नागराज रुद्र और नागरानी मनसा कबीले वालों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। कबीले का सरदार नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर नजर गड़ाए हुए था। उसे नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर शक हो गया था। रोने से अब क्या होगा? रामू इस दुनिया में नहीं है, यह सत्य है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे जिसने हमारे कबीले वालों की जान ली है। रामू की लाश को कबीले में ले चलो। कबीले वालों ने लाश को उठाया और कबीले की ओर चल पड़े। रामू की लाश को कबीले लाया गया। हर कोई रो रहा था। नागराज रुद्र और मनसा बातें कर रहे थे। यहाँ ये सब कौन कर रहा है? नागराज, हमें कबीले वालों से बात करनी चाहिए। जितना जल्दी हो उतना जल्दी ढूंढ निकालेंगे उस हैवान को। हाँ, हमारे होते हुए किसी के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। तुम दोनों वहाँ पीछे क्या बात कर रहे हो? आगे आओ। रामू की लाश को जलाने के बाद सरदार रुद्र और मनसा की ओर बढ़े। तुम दोनों कहाँ से आए हो? सरदार, हम तो अपने गांव जा रहे थे। किसी ने बताया कि जंगल के रास्ते जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। रास्ते में हम दोनों की बहस हो गई और रास्ता भूल गए हम दोनों। मुझे सिम्भा ने बताया कि तुम दोनों को पेड़ पौधों का बहुत ज्ञान है। क्या सच में तुम दोनों पौधों से दवाई बनाते हो? हाँ सरदार, गांव में हमारा दवा खाना भी है। ठीक है, आप दोनों हमारे मेहमान हो। कुछ दिन आप लोग हमारे साथ यहीं रहिए। जी सरदार। जल्द से जल्द कातिल को ढूंढना था, इसलिए नागराज रुद्र और नागरानी मनसा सारे कबीले वालों से पूछताछ करने लगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कैसा दिखता है सिर फोड़ के मारने वाला? कभी देखा तो नहीं है, पर सुना है। माँ जी, आपने कभी देखा है सर फोड़ने वाले को? मेरे सामने मेरे पति को मार दिया, पर मैं देख नहीं पाई। क्यों माँ जी? मेरी आंखों की रोशनी कमजोर है, मैं बस अपने पति की चीखें सुन पाई। क्या चल रहा है तुम दोनों का? कुछ नहीं सरदार। ज्यादा हलचल मत करो, ये कबीला मेरा है, यहाँ मेरा राज चलता है। पर सरदार, हम आप सबकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह अपने नाक मत अड़ाया करो, मेहमान हो मेहमान जैसे रहो। रात काफी हो गई है, जाकर सो जाओ। नागराज रुद्र ने सरदार को कुछ नहीं बोला। नागराज रुद्र नागरानी मनसा चुपचाप अपनी कुटिया में चले गए। कुटिया में पहुंचकर वो दोनों अपने असली रूप में आ गए। उस सिर फोड़ के मारने वाले का पता नहीं चल रहा है, और इन कबीले वालों का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कैसे भी करके उस हत्यारे को ढूंढना ही होगा। नागराज, कोई तो सबूत मिलेगा उस हत्यारे के खिलाफ। कल सुबह चलेंगे, जहाँ रामू की लाश मिली थी, कुछ ना कुछ जरूर हाथ आएगा। वैसे भी कबीले वालों के आने से हम उस जगह की छानबीन नहीं कर पाए। मुझे लगता है सरदार हम दोनों को ही कातिल समझ रहे हैं। कहीं हमारा सच्चाई उन्हें पता तो नहीं चल गया? मुझे ऐसा तो नहीं लगता। कबीले के सरदार जैसे भी हो, कबीले की भलाई ही चाहता है। हमें जल्द से जल्द उस हत्यारे को पकड़ना होगा। अगली सुबह नागराज रुद्र नागरानी मनसा जंगल में पहुँच गए, जहाँ रामू की लाश मिली थी, और वहाँ छानबीन करने लगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो सबका सिर फोड़ के ही क्यों मारते हैं? शायद इंसान जिंदा न बच सके इसलिए।
तभी नागराज रुद्र का पैर कीचड़ में चला गया। ये मिट्टी कुछ ज्यादा ही चिपी चिपी है, देख के चलना। नागराज, इस मिट्टी के निशान लाश के आसपास ही हैं बस। पर ये मिट्टी तो इस जंगल की नहीं लग रही है, ऐसी मिट्टी तो दलदल में पाई जाती है। नागराज, शायद हमें कोई ढूंढ रहा है। कबीले का सरदार हमें ढूंढ रहा है। चलिए कबीले चलते हैं। जंगल से निकलते हुए कबीले के सरदार ने नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को देख लिया। वहीं रुक जाओ तुम दोनों, इतनी सुबह सुबह क्या करने गए थे जंगल में? मैंने बोला था ना, मेहमान हो मेहमान जैसा रहो। तभी सिम्बा वहाँ दौड़ते हुए आया। सरदार सरदार, मैंने बोला था इन्हें जंगल जाने। लेकिन क्यों? वो मेरी बहन खेलते खेलते गिर गई थी, हाथ में चोट लगी है, खून बंद ही नहीं हो रहा है, इसलिए जड़ी बूटियां लाने जंगल भेजा था। और बस तभी वहाँ एक कबीला वाला दौड़ते हुए रोते हुए आया। सरदार, जंगल में फिर से किसी की लाश मिली है, उसे भी सिर फोड़ के मार दिया। सारे कबीले वाले और नागराज रुद्र और मनसा उस दूसरी लाश के पास पहुँचे। हे भगवान, मेरा पति, मेरे पति को भी मार दिया। इसका भी सिर फोड़ दिया। ना जाने हमारे कबीले पे ये क्या श्राप है, एक के बाद एक कबीले वाले मरते ही जा रहे हैं। कुछ करिए सरदार, कुछ करिए। कबीले के सरदार को नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर ही शक था। वो तमतमाते हुए उन दोनों के पास गया। यही है वो कातिल, मैंने सुबह सुबह इन्हें इसी रास्ते से आते देखा है। ये दोनों ही वो कातिल हैं जो हमारे कबीले वालों को सिर फोड़ के मार रहे हैं। नहीं सरदार, ये दोनों हमारे दोस्त बनकर हमारे ही सीने में खंजर घोप रहे हैं। यही है वो कातिल, हत्यारे, इन्हें मार दो, इन्हें मार दो। सरदार की बातें सुनकर कबीले वालों को भी नागराज रुद्र और नागरानी मनसा पर शक होने लगा था। वो लोग उन्हें घूरे जा रहे थे। क्या कबीले वाले नागराज रुद्र और नागरानी मनसा को हत्यारा समझकर उन पर हमला करेंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड नागराज रुद्र।